वेलकम बैक टू माय चैनल माय ब्यूटीफुल लाइफ विद रिशनी। कैसे हो आप सब लोग? गुड मॉर्निंग। आज है 28 अगस्त और आज दिन है फ्राइडे। तो अभी टाइम भी ज्यादा हो गया, अभी हम लोग यहाँ पे चाय लेकर बैठे हैं पीने के लिए। जिशु गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज ब्रिशानी जल्दी उठ गई है और मैं भी जल्दी उठी हूँ और आज तो बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत फ्रेश फील कर रही हूँ, है ना सुनो? मैं बोल रही हूँ, बहुत दिन बहुत रो रही थी। हाँ आज ये ना सपना देखी है, बहुत रो रही थी, रोते रोते उठी है, मम्मा मार दिया, मम्मा मार दिया। बोले कौन मारा? तो मम्मा मार दिया। बोले सपने में भी देखती है कि मम्मा मार दिया। मम्मा कब मारी तुमको? मारी है ना, देख लो मैं कब मारी हूँ इसको, मुझे भी पता नहीं है। मैं क्यों मारूंगी छुन्नू को? मुझे तो छुन्नू बच्चा है ना, तुम छुन्नू बच्चों को बहुत प्यार करता है ना, तो मम्मा क्यों मारेगी? पता नहीं बच्चे लोग सपने में क्या क्या देखते हैं। ये रोते रोते उठी है, मम्मा मम्मा। बोले क्या हो गया? मैं डर गई एकदम से। नहीं सुना? हाँ क्या हुआ? चोरी खोल दो। ये चूड़ी खोल भी देती है और पहना भी देती है। बेटा टूट जाएगा और ये टूट जाएगा बेटी। छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। निशाने प्रेस कर लिए। ये निशाने ज्यादा प्रेस है। निशानी अभी क्या खाएगी? अभी निशानी को दूध पीना है ना? नहीं पीना। पीना है दूध? नहीं पीना। दूध के नाम से तो ऐसे भागते है जैसे कि नफरत हो गया है, और नफरत सच में इसको दूध से हो गया है। नहीं पीना चाहती है। बदमाश 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 बदमाश। नहीं पीना। निशान को मार्केट जाना। जाओ 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 सामान लेकर आ, मेरे लिए और अच्छा रहेगा, मुझे जाना नहीं पड़ेगा। जाओ सामान लेकर आ। अब झूठ मुठ कर जाएगी और झोला उठाएगी और मास्क लेगी और सामान लेकर आएगी और बोलेगी लो। मास्क पहन के जाएगी। तो चलिए अभी हम लोग चाय पीते हैं, चाय पीकर मिलते हैं। अभी मैं आलू बैठाई हूँ आलू बॉईल होने के लिए, और आज नाश्ते में बनेगा साबूदाना का खिचड़ी। तो साबूदाना को मैं पहले से भिगो के रखी हूँ। अभी टाइम बहुत ज्यादा हो गया है और मैं नहा के रेडी हो गई हूँ और पूजा भी मैं कर ली हूँ, और अभी मैं ब्रेकफास्ट बनाने जा रही थी। तो आज मुझे बनाना था साबूदाना का खिचड़ी, लेकिन अभी नहीं बनाऊंगी। साबूदाना जो है ना अच्छे से ये फूला नहीं है, थोड़ा टाइम और लगेगा इसे फूलने में, थोड़ा सा और टाइम लगेगा। देखिए तो ये जब अच्छे से नहीं फूलेगा तो खाने में भी अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं सोच चलो अभी इसे मैं छोड़ती हूँ, इसे इवनिंग स्नैक में बनाऊंगी, और अभी मैं डायरेक्ट खाना बनाने जा रही हूँ। ऐसे आज है फ्राइडे, तो मैं मटर आलू का सब्जी बनाऊंगी, सिंपल सा मटर आलू की ग्रेवी वाली सब्जी बनाऊंगी, राइस बनाऊंगी। तो ये डिनर के टाइम में बनेगा चन्ने। तो अभी मैं भिगो दी हूँ, उस टाइम तक ये फूल जाएगा अच्छे से। तभी मैं फटाफट बना लेती हूँ। आलू मटर की सब्जी बनाएंगे, तो कढ़ाई में मैं ऑयल डाल दी हूँ और सरसों का ऑयल ली हूँ। तो ऑयल गर्म हो गया है तो इसमें मैं हींग डाली हूँ, उसके बाद मैं जीरा डाल दी हूँ, और उसके साथ ही मैं एक हरी मिर्च को बीच से कट लगा के डाल दी हूँ। जब हरी मिर्च और जीरा अच्छे से चटक गया है उसके बाद इसमें मैं प्याज डाल दी हूँ, प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक भून ली हूँ। उसके बाद इसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाली हूँ, और अदरक लहसुन को भी मैं थोड़ा टाइम तक भून ली हूँ। उसके बाद इसमें मैं मटर डालती हूँ, मटर को ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, थोड़ा सा मैं भूनी हूँ मटर को। और उसके बाद इसमें मैं पानी डालती हूँ, और अभी मैं साथ ही साथ सारे मसाले डाल दूँगी। आधा चम्मच मैं धनिया पाउडर डाली हूँ, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाली हूँ, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, उसके बाद स्वाद के अनुसार नमक डाल दी हूँ,
और अभी मैं मसाले को 4 से 5 मिनट तक भूनूंगी। तो 4 से 5 मिनट तक मसाले को भूनने के बाद देख सकते हैं मसाले से तेल अलग हो गया है। उसके बाद इसमें मैं बॉईल किए हुए आलू को हाथ से तोड़ के डाल दी हूँ और अभी आलू को भी मसाले के साथ 2 मिनट तक भून लूँगी। उसके बाद इसमें मैं पानी डालूँगी। तो अभी मसाले अच्छे से भून गए हैं, आलू के साथ भी मसाले को मैं भून ली हूँ और अभी इसमें मैं पानी डाल दी हूँ और जितना ग्रेवी चाहिए उतना पानी डालेंगे। उसके बाद इसमें मैं थोड़ा सा गर्म मसाला डाली हूँ और 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। जब ग्रेवी अच्छे से पक जाएंगे उसके बाद इसमें मैं डाल दी हूँ धनिया पत्ता और अभी सब्जी बनके रेडी हो गया है। तो अभी फिर से बारिश स्टार्ट हो गई है जिसमें छूट गया था। कभी कभी बारिश होती है, कभी कभी नहीं होती है। जिसको क्या कर रही हूँ, गिर जाऊंगी ना। तो अभी मेरा खाना बनके रेडी हो गया और अभी टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया, हस्बैंड को ऑफिस भी जाना है। अरे कैसे करती है लड़की है। तो अभी उनको ऑफिस जाना है तो चावल और मेरा सब्जी बनके रेडी हो गया है। तो अभी हम लोग खाना खाएंगे। क्या कर रही हो? चप्पल पहनी हो? आते ही जरा अभी मैं गैस हो गई हूँ, अभी ना मैं जा रही हूँ। कभी आए तो आप देखो क्या बोलती है, कभी कभी समझ में भी नहीं आता है। बहुत पसंद आता है ना। तो चलो अभी अभी सुनो 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 ना, अभी हम लोग खाना खा लेते हैं। ठीक, अभी हम लोग ब्रेकफास्ट नहीं किया है ना, तो चलो अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर उसके बाद ढेर सारी बातें करना। देखो क्या करती है लड़की, कुछ भी करती। चलो पापा को बोलो, पापा चलिए खाना खाने। अभी पापा को नहाना है ना, पापा ब्रश कर लिया, पापा नहाया नहीं है। तो चलिए अभी हम लोग जा रहे ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद, फिर मैं बातें करूंगी ढेर सारी थोड़ी बाद में। तो गाइज अभी टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, 7 बज गया है और मैं आप लोग से मॉर्निंग में मिली थी और मॉर्निंग में मिली अभी मिल रही हूँ इवनिंग में। और अभी संध्या का टाइम हो गया है, मुझे दिया भी जलाना है और अभी मुझे साबुनदाना का खिचड़ी भी बनाना है क्योंकि हस्बैंड आ रहे हैं, वो ऑफिस चले गए थे। ऊपर में मैं कुछ भी सूट नहीं कर पाई हूँ और वो अभी आ रहे हैं, तो उनके आने से पहले मैं सोच रही हूँ रेडी कर देती हूँ, क्योंकि मैं तो लंच की हूँ, निशानी भी की है, वो नहीं की है तो उनको भूख लगा होगा। तो मैं सोच रही हूँ कि फटाफट बना देती हूँ और साथ ही साथ मैं डिनर की भी तैयारी कर लूंगी। तो डिनर में बस अगर अभी साबुनदाना का खिचड़ी बनाएंगे खा लेंगे तो पेट तो भर ही जाएगा, तो थोड़ा सा ही बनाएंगे। चना जो मैं मॉर्निंग में भिगो के रखी थी तो चना और थोड़ा सा आलू डाल के उसका भाजी बनाऊंगी और रोटी बनाऊंगी। तो 3-4 रोटी ही बनाना है, ज्यादा नहीं बनाना है, तो फटाफट बन जाएगा। ये सॉन्ग आप लोग को बहुत पसंद आया था तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हूँ, आप लोग चेक करके वहाँ से गाना सुन सकते हैं। अभी मैं साबुनदाना को अच्छे से धोऊंगी, 2 से 3 बार मैं धो ली हूँ ताकि उसके जितने भी स्टार्च होंगे वो सब निकल जाएंगे। तो साबुनदाना के खिचड़ी बनाएंगे तो पूरा खिले खिले बनेंगे। तो मैं मॉर्निंग में ही धो के रखी हुई थी और थोड़ा सा पानी में डाल दी हूँ फूलने के लिए, ज़्यादा नहीं डाली हूँ, थोड़ा सा ही डाली हूँ। तो ये सब मॉर्निंग में ही किए हुए थे, तो अभी तो इवनिंग के टाइम में मैं बना रही हूँ, उस टाइम में फूला नहीं था अच्छे से इसलिए। तो अभी आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से साबुनदाना फूल गया है। तो सबसे पहले मैं कढ़ाई में ऑयल डाली हूँ और इसमें मैं मूँगफली फ्राई कर लूँगी और मूंगफली फ्राई करके पहले निकाल लूंगी, फिर उसके बाद मैं साबुनदाना की खिचड़ी बनाऊंगी। तो मैं बहुत सिंपल तरीके से बनाऊंगी क्योंकि आज है फ्राइडे, तो इसमें मैं टमाटर नहीं डालूंगी, नींबू का जूस भी नहीं डालूंगी, कोई चाट मसाला भी नहीं डलेगा, तो ये बहुत सिंपल बनने वाला है। तो
अभी मैं ऑयल में बारीक कटा हुआ अदरक डाली हूँ और हरी मिर्च डाली हूँ। तो अदरक और हरी मिर्च फ्राई हो गया, उसके बाद मैं आलू डाल दी हूँ और ये उबला हुआ आलू है तो उसे मैं छोटा छोटा पीस काट ली थी, उसके बाद मैं डाल दी हूँ। और आलू को भी मैं अच्छे से फ्राई कर ली हूँ, हाई फ्लेम पर ही बनाना है नहीं तो ये चिपकने लगेगा। उसके बाद मैं साबूदाना डाल दी हूँ और उसके साथ ही साथ मैं डाल दी हूँ इसमें काली मिर्च का पाउडर और पिंक सॉल्ट डाली हूँ और उसके बाद मैं अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। और अभी मैं डाल दी हूँ मूंगफली और मूंगफली को भी मैं अच्छे से मिक्स कर ली हूँ और कुछ सेकंड के लिए भून ली हूँ। और उसके बाद मैं धनिया पत्ता डाल दी हूँ तो अभी ये साबूदाना की खिचड़ी बन के रेडी हो गया है। तो आप इसमें लेमन जूस भी डाल सकते हैं, चाट मसाला भी डाल सकते हैं और टमाटर भी डाल सकते हैं, मैं नहीं डाली हूँ क्योंकि आज है फ्राइडे। अभी हस्बैंड आ गए हैं घर पे और अभी वो साबूदाना का खिचड़ी खा रहे हैं, मैं भी खाई हूँ अभी थोड़ा सा। और साथ ही साथ यहाँ पे बन रहा है आलू और चना की सब्जी, सिंपल सा भाजी बन रहा है। वैसे थोड़ा टाइम में बन के रेडी हो जाएगा। बेटा बंद करो, अधिशानी मेरा वीडियो देख रही है। और अभी यहाँ पे रुको और अभी यहाँ पे चाय बन के रेडी हो गया है, तभी मैं चाय लेकर जा रही हूँ चाय पीने। देखिए मेरा खुद का वीडियो देख रही है, खुद को अभी देख रही है। मम्मी छोला भटूरे बना लिए बंद करेगी। और बात के चक्कर में ना मेरा चाय ठंडा हो जाएगा। मत करो, पापा बात कर रहा है, पापा को डिस्टर्ब होगा ना। अभी रख दो, चलो अभी इसको चार्जिंग में लगा दो, इसीलिए इस मोबाइल को ना मैं छुपा के रखती हूँ, हमेशा छुपा के रखती हूँ ताकि ये देखे ना, देखती है ना तो एक ही बात बोलती है कि ये दृशानी का मोबाइल है दे दो, और मोबाइल खोलेगी और बस मेरा वीडियो देखेगी, क्योंकि नेट की कमी थोड़ी है, वाईफाई लगा हुआ है तो उसमें भी मैं भी कभी कभी देखती हूँ खुद का वीडियो। कभी कभी ऐसा होता है ना कि मैं जल्दी जल्दी में वीडियो एडिट करती हूँ और टाइम नहीं मिलता है उसे चेक करने के लिए, तो मैं उसी मोबाइल में देखती हूँ अपना वीडियो डालने के बाद, तो इसलिए मैं उसमें वाईफाई कनेक्ट करके रखी हूँ। और आज तो कल वाला जो आप लोगों ने ब्लॉग देखा तो उसमें भी मैं मिस्टेक की हुई थी। क्या होता है ना, मैं जल्दी जल्दी में वीडियो एडिट करती हूँ और शाम के टाइम में अगर खासकर एडिट करती हूँ ना तो शाम का जो टाइमिंग रहता है ना वही मैं कभी कभी बोल भी देती हूँ और कभी कभी डाल भी देती हूँ, तो कभी कभी मिस्टेक हो जाता है और हर लोगों से होता होगा, मुझसे तो बहुत ज्यादा होता है। खासकर मैं जल्दी जल्दी में वीडियो एडिट करती हूँ और चेक करने का टाइम नहीं रहता है ना, तो अगर मैं चेक करती हूँ तो कभी कभी मैं वॉइस ओवर करती हूँ ना तो वहां पे भी मतलब जल्दी जल्दी बातें करने में ना कुछ मिस्टेक हो जाता है, गलत वर्ड बोल देते हैं। तो जब मैं दोबारा चेक करती हूँ, देखती हूँ, सुनती हूँ तो उस टाइम में मैं वहां पे ठीक कर लेती हूँ, इसलिए मैं बराबर ध्यान से सुनती हूँ। और कभी कभी बोलने में मिस्टेक हो ही जाता है या फिर लिखने में भी हो जाता है, लेकिन एक बार वीडियो अगर डाल दिए ना तो फिर उसे मैं चेंज नहीं कर सकती हूँ, वो गलत के गलत ही रहेगा। तो यहाँ पे मेरे सब्जी बनके रेडी हो गए हैं, अभी तो मैं गैस को बंद कर दूंगी। शिव शंकर ला टोपी त्रिपुरा सुर ऐसा खो।
डिनर हो गया। डिनर करके बिल्कुल भी मजा नहीं आया क्योंकि सूखा सूखा खाना बना हुआ था। वैसे आज था फ्राइडे और भूख भी ज्यादा नहीं था। साबुदाना खाए हुए थे, साबुदाना भी खाकर मजा नहीं आया क्योंकि उसमें टमाटर नहीं था और नींबू का जूस उसमें डाला जाता है तो वो भी नहीं था, और थोड़ा सा चाट मसाला भी डालते हैं तो ये सब खट्टा चीजें भी नहीं डाली हुई थी क्योंकि आज शुक्रवार था। तो शुक्रवार के दिन थोड़ा खाना ऐसा ही रहता है, मजा नहीं आता है खाकर। तो चलिए, हम लोग का डिनर तो हो गया और अभी मैं आप लोगों को गुड न्यूज भी दे देती हूँ। तो मैं जाने वाली हूँ मायके। हाँ, नीचे कोई आने वाला है? वैसा नहीं बनाना है। हाँ। अभी तो हम बुक छीन लेंगे, देख लेना। इसको दिए स्टैंडिंग लाइन बनाने के लिए, लेकिन ये लड़की राउंड राउंड बना रही है, स्टैंडिंग लाइन नहीं बना रही, पूरा बुक को खराब कर रही है। नहीं बनाने का है, नहीं बनाने का है। गुड न्यूज यही है कि मैं जाने वाली हूँ मायके, और बहुत पहले मैं जाने वाली थी, मतलब रक्षाबंधन के टाइम में मैं जाने वाली थी और उस टाइम में टिकट नहीं मिला था तो मैं नहीं जा पाई। और इस बार भी टिकट नहीं मिल रहा है, बहुत प्रॉब्लम है। फ्लाइट का टिकट भी उसी तरह दिखा रहा है और ट्रेन का टिकट तो बिल्कुल भी नहीं दिखा रहा है। नवंबर में पूरा से बुक हो गया है। हम लोग सोच रहे थे दिवाली के टाइम में जाने के लिए, या तो दिवाली के बाद जाऊँ या दिवाली से पहले जाऊँ, तो नहीं मिल रहा है। अभी एक और ट्रेन खुलने वाला है तो शायद उसमें मिल जाए, नहीं मिलेगा तो फिर तत्काल टिकट कटवा के जाएंगे, लेकिन जाएंगे किसी भी तरह और ट्रेन से ही जाएंगे। मैं सोच रही थी अगर ट्रेन का टिकट नहीं मिलेगा तो फिर फ्लाइट से चले जाएंगे, लेकिन फ्लाइट से भी प्रॉब्लम है, ज्यादा सामान ले जाने नहीं देगा कोरोना वायरस की वजह से। हैंड बैग भी नहीं लेके जाना है, सारे चीजों को लगेज में ही डालना पड़ेगा, तो इस तरह में ना मतलब 15 kg ही डालना पड़ता है, तो 15 kg इतना कम सामान होगा। तो जाएंगे तो कुछ दिन तक रुकेंगे, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि ट्रेन से ही चलते हैं और अच्छा लगेगा। ट्रेन से जाएंगे तो ज्यादा सामान भी ले जा पाएंगे, और मैं जाऊंगी तो कम से कम 2 month रहूंगी और 2 month रुकूंगी, तभी मैं आप लोग के साथ अच्छे से शेयर कर पाऊंगी, हर चीज आप लोग को बता पाऊंगी और अपनी फैमिली से मिलवाऊंगी। बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है वहां पे, बहुत ऐसे मेरे बचपना बीता हुआ है, तो मैं आप लोगों को पूरे अच्छे से दिखाऊंगी सब चीज, और बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ मैं ये सारी चीजें शेयर करने के लिए इतना दिन पहले से। और वैसे टाइम नहीं है, नवम्बर का 2 month है, लेकिन ये 2 month कैसे गुजरता है पता ही नहीं चलेगा, एक एक दिन तो ऐसे ही गुजर जाता है पता ही नहीं चलता है। तो और उससे भी बड़ा गुड न्यूज ये है कि मेरी सिस्टर की शादी होने वाली है। अभी तो नहीं होगी, लेकिन जैसे अभी का माहौल आप देख ही रहे हैं, अगर ऐसा माहौल नहीं होता तो अभी तक उसका शादी हो गया रहता, तो उसकी शादी होगी। और कब होगी वो तो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी, क्योंकि अभी नहीं बता सकती, अभी कुछ भी फिक्स नहीं हुआ है तो कुछ बताने वाली बातें नहीं है, लेकिन हाँ शादी होगी और जल्दी होगी, तो अभी मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ। लेकिन गुड न्यूज ये है कि हाँ उसकी मैरिज होने वाली है, हमसे छोटी वाली का, मेरी दो सिस्टर है तो बीच वाली का होने वाला है, तो उसका शादी होगा तो बहुत इंजॉय करने वाले हैं। वैसे आप लोग भी इंजॉय करेंगे, मेरे घर में ढोल से नाई बजने वाली है। हाँ हाँ, तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ मैं, और मैं सोच रही हूँ कब वो दिन आ जाए, कब वो दिन आ जाए कि मैं फटाफट जाऊँ यहाँ से। सच में
दम घुट रहा है ऐसा कभी कभी फील होता है। मतलब बहुत दिन हो गया ना मतलब फैमिली वाले लोगों से मिले हुए, और खासकर ऐसा माहौल नहीं होता तो इतना ज्यादा हालत खराब नहीं होती, क्योंकि एकदम से घर में बंद हो गया है ना कितना टाइम से लॉकडाउन की वजह से, और कोरोना की वजह से तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसीलिए ऐसा मन हो रहा है कि कब चले जाए, और बहुत अच्छा लग रहा है। तो यही गुड न्यूज मैं आप लोग को देना चाहती थी, आप लोग भी सुनकर खुश हो गए होंगे। और वो दिन दूर नहीं है, जल्दी आ जाएगा, नवंबर ज्यादा दिन नहीं है, और देखते देखते मैं कैसे दिवाली आ जाएगी तो पता ही नहीं चलेगा, और देखते देखते मैं गणपति पूजा भी चला गया पता ही नहीं चला। और अभी से ही मैं तैयारी शुरू कर देती हूँ अपने मायके जाने का, क्योंकि बहुत सारी चीजों की तैयारी करनी है, तो धीरे धीरे मैं करूंगी, धीरे धीरे करूंगी। एक बार मैं अगर सोचूंगी करने का तो नहीं हो पाएगा, फिर जाते वक्त ना क्या होता है बहुत सारी चीजें छूट जाती है, तो इसलिए मैं सारी तैयारी पहले से करके रखूंगी। और इतना ज्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ कहीं मेरा खुद का नजर ना लग जाए, कि मैं खुद कभी नजर नहीं लगने दूंगी चाहे कैसा भी सिचुएशन हो, मैं जाऊंगी इस बार चाहे कुछ भी हो जाए। तो चलिए मैं तो बहुत खुश हुई हूँ, आप लोग भी शायद खुश हुए होंगे ये बात सुनकर। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे और वीडियो सबसे पहले आप देख पाए। चलो बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।